मैम जी मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओवर, तो अब हमारा रिजल्ट कब आएगा और क्या क्या चीजें एनटीए रिलीज करेगा? तो आपके सारे पेपर्स ओवर होने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर आपकी प्रोविजनल आंसर की, आपकी रिस्पांस शीट प्लस आपके सारे एनटीए के ऑफिशियल पेपर्स रिलीज कर दिए जाते हैं। अब लगभग एनटीए 3 दिन की विंडो देता है अगर आप आंसर की को चैलेंज करना चाहते हो, यानी कोई भी सवाल आपको लगता है एनटीए ने उसका जवाब सही नहीं दिया आप उसे चैलेंज कर सकते हो, या फिर किसी सवाल में आपको मल्टीपल आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं वो चैलेंज कर सकते हो। एक टिप दूंगी, सब बच्चे अपनी रिस्पांस शीट को वेबसाइट से डाउनलोड करके जरूर रख लेना क्योंकि बाद में वो गायब हो जाती है। अब अगर आंसर की में कोई मेजर चेंजेस नहीं है तो लगभग 1 से 3 दिन के अंदर एनटीए फाइनल प्रोविजनल आंसर की को शेयर कर देता है, एंड बस एक बार फाइनल आंसर की जनरेट हो गई तो मतलब उसी दिन या फिर एट बेस्ट अगले दिन आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जनवरी के रिजल्ट में सिर्फ आपको परसेंटाइल मिलती है, रैंक फाइनली जब अप्रैल भी हो जाएगा तो बेस्ट ऑफ 2 लेकर फाइनली दी जाएगी। अब मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी 2.0 से रीस्टार्ट कर दी और किस तरह की वीडियो अब आप अगले अटेम्प्ट के लिए चाहते हो। बाकी टेंशन लेने का नहीं, कुछ भी ऑफिशियल आएगा आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करना।